हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। मैं अभी आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट क्लास 3 के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके उसके बुक के एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कर रही हूँ। साथ ही कंप्यूटर सब्जेक्ट के एमसीक्यू के वीडियो मैंने बनाकर डाल रखे हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तो अभी तक अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे अवश्य देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 कंप्यूटर सब्जेक्ट। 3 क्लास के मैंने 1 चैप्टर्स को डिफाइन कर दिया था, उस पर मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, एक चैप्टर्स को मैंने 2 वीडियो में कवर किया है। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 स्टोरेज डिवाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क ब्लू रे डिस्क फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी यूनिट। इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द स्टोरेज डिवाइस विच आर यूज्ड इन कंप्यूटर। प्रीवियस चैप्टर में हमने इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में जाना था। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और कंप्यूटर में इसका कैसे यूज़ किया जाता है। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण एडवांटेज है, गुण है, कि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है। वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा सच एज टेक्स्ट इमेज ऑडियो वीडियो इन कंप्यूटर। इसमें हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी प्रकार का डाटा, चाहे वह डाटा टेक्स्ट के रूप में हो, इमेज के रूप में हो, ऑडियो के रूप में हो या वीडियो के रूप में हो। इन सभी को हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस जैसा कि आपको पता है CPU में होता है और वहीं पर ये मेमोरी होती है। देयर आर डिफरेंट स्टोरेज एरिया वेयर इट कीप डाटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली और टेम्प्रोरी। स्टोरेज एरिया कंप्यूटर में विभिन्न जगहों पर होती है जहाँ पर हम अपने डाटा या इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली या टेम्प्रोरली स्टोर करके रख सकते हैं। दिस स्टोरेज एरिया इज नोन एज मेमोरी। इस स्टोरेज एरिया को हम क्या कहते हैं, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। बच्चों याद रखेंगे मेमोरी 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी एंड 2 सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दिस इज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर का मेन मेमोरी कहा जाता है। CPU कैन डायरेक्टली रीड और राइट ऑन दिस मेमोरी। CPU जो है इस मेमोरी को डायरेक्ट रीड या राइट कर सकता है। इट इज़ फिक्स टू द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। इसको कहाँ फिक्स किया जाता है, मदरबोर्ड में फिक्स किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी को मदरबोर्ड में फिक्स किया जाता है। कंप्यूटर डज नॉट वर्क विदाउट प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर जो है प्राइमरी मेमोरी के विदाउट, अर्थात कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के कुछ भी वर्क नहीं कर सकता है। अर्थात कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं करेगा। प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 वे। प्राइमरी मेमोरी को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 रैम, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंड हो जाता है रोम रीड ओनली मेमोरी। बच्चों ध्यान रखेंगे प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है, रैम एंड रोम। इसके फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के बारे में। ये हमारा रैम हो जाता है। रैम इज ए टेम्प्रोरी मेमोरी। रैम क्या होता है, टेम्प्रोरी मेमोरी होता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट एज द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। यह इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अपनी मेमोरी में और जब हम कंप्यूटर का पावर ऑफ कर देते हैं, कंप्यूटर टर्न ऑफ कर देते हैं, तो वह मेमोरी लॉस्ट कर जाता है, यानी ख़त्म हो जाती है।
इट इज़ कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी, इसको हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी, इसको रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। अर्थात इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं या रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोम। रोम को हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ये हमारा रोम हो जाता है। इंफॉर्मेशन स्टोर इन रोम इज परमानेंट इन नेचर, रोम में इंफॉर्मेशन जो है परमानेंट में स्टोर किया जाता है। इट होल्ड्स द डाटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच ऑफ, इसमें डाटा होल्ड करके रखा जा सकता है, यदि हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर भी देते हैं उसके बाद भी इसमें डाटा होल्ड रहता है। इट होल्ड्स द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर, इसको होल्ड करने के लिए कंप्यूटर को स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। रोम कैन नॉट बी ओवर रिटन बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर में रोम पर हम कुछ भी ओवर रिटन नहीं कर सकते, यानी कुछ लिखा गया है उसके ऊपर हम अपने से कुछ भी नहीं लिख सकते। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो आज के लिए इतना ही, सेकेंडरी मेमोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, एंड पेरेंट्स आप भी इसे अच्छे से समझकर अपने बच्चों को समझा सकते हैं और इसके एक्सरसाइज सॉल्व करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। एंड साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल पर कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के क्लास वाइज वीडियो बनाकर डाले हैं, साथ ही ओलंपियाड एग्ज़ाम पर्पज़ से भी हमने क्लास वाइज चैप्टर्स इंक्लूड करके उसके MCQ बनाकर डाले हैं। अगर आपने अभी उसे नहीं देखा है तो एक बार जाकर अवश्य देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।